स्वागत है आप सभी का विविध भारती की रंगोली में। स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी और अमरकांत दुबे का नमस्कार। अमरकांत जी जी, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। बिल्कुल, इतनी तेज ठंड हर तरफ पड़ रही है और कश्मीर और उत्तर भारत के कई पहाड़ी क्षेत्रों में तो काफी बर्फबारी हुई है। जी हाँ, और भाई जाहिर है ऐसे में याद आते हैं हमारे वो सैनिक जो सरहद पर बैठे हैं और इस कड़कड़ाती ठंड में भी सीमा सुरक्षा के लिए तैनात हैं। बिल्कुल, देश का हर नागरिक उनका कर्जदार है रेणु जी। उनकी हिम्मत, चाबाजी और देश के लिए जो उनका जज्बा है ना, उसको बार बार सलाम है। हम शुक्रगुजार हैं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन एक बात और याद आती है ऐसे में कि इस कड़कड़ाती ठंड में जैसे वो सुरक्षा के लिए तैनात हैं, घर से कोई चिट्ठी आ जाए तो? वो पल याद करके तो मैं खुद भावुक महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। ऐसे मौके पे तो बस वो बेचारे मन महसूस कर रह जाते होंगे। बिल्कुल, ये बात तो सच है कि हमारे देश के घर घर की ये रीत है कि हम प्यार और भाईचारे में विश्वास रखते हैं ना। दुनिया का एकमात्र देश ऐसा है ये जहां अजनबी भी दूसरों की खुशियों में शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल, अब खुशियों की बात आई तो एक बात और याद आ रही है। कौन सी बात? यही कि मतलब हर घर में खुशियां मनाई जाती हैं, मौके आते हैं हमारे यहाँ। खुशियों का मौका तो हर घर में आता है, बल्कि कई कई मौके आते हैं। लेकिन एक मौका ऐसा है जो हर घर में कॉमन होता है। हर घर में कॉमन मौका तो जन्मदिन का। अरे बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जन्मदिन एक ऐसी खुशी का मौका है जी। जो हर घर में कई कई बार आता है, जितने सदस्य हैं उतने जन्मदिन है। बिल्कुल, और ये जब मौका आता है तो ये बधाई भी जरूर दी जाती है ना? बिल्कुल। Thank you.
खुशियों का एक कॉमन मौका और होता था। क्या मतलब है? पहले हुआ करता था, अब नहीं होता क्या? नहीं नहीं, होता तो अभी भी है, लेकिन खुशियों के मौके का जो स्वरूप है वो अभी बदल गया ये नई नई टेक्नोलॉजी की वजह से। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए ऐसा है, अभी मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। देखिए खुशियों का इंतजार तो सबको रहता है, बिल्कुल, तो ये जो है ना जब आती है तो खुशियां लेकर आती है। समझ गए, आप चिट्ठियों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन चिट्ठियां हर बार खुशी का संदेशा लेकर आए ये तो जरूरी नहीं है ना। बात आपकी भी बिल्कुल सच है, लेकिन क्या है ना कि जब चिट्ठी का कोई इंतजार करता है तो उम्मीद तो खुशियों की ही करता है। घर से दूर परिवार के सदस्यों को घर से दूर परिवार के सदस्यों का मनोभाव किस तरह से इस गाने में पेश किया गया, वाह, बिल्कुल सच कह रही हैं आप। परदेश में बैठा घर का ये जो सदस्य है ये भले इतनी दूर बैठा है लेकिन मन तो उसका घर पर ही है। बिल्कुल, ये बात गाने ने बखूबी बताई है। लेकिन एक बात और भी है रेणु जी, जो बाहर होता है, घर से दूर होता है, नजरों से दूर होता है, परिवार के सदस्यों को उसकी फिक्र तो होती ही है। जी हाँ, फिक्र होती है, लेकिन इस फिक्र की कदर करने वाला कोई होना तो क्या बात है, बहुत अच्छा लगता है। तो सारी उदासी दूर हो जाती है। जी, अच्छा रेणु जी, किसी के दिल के पास रहने का मौका मिल जाए तो फिर क्या होता? तो बस सावन आए या ना आए, समझिए सावन है। मतलब जिया जब झूमे सावन है, जाहिर सी बात है किसी के दिल के पास रहने का मौका मिलेगा तो जिया झूमेगा, जिया झूमेगा तो सावन आएगा, सावन आएगा तो बहार आएगी। जिया और बहार साथ में क्या लाएगी? रस की फुहार लाएगी और साथ में बरखा भी आएगी खुशियों की।
प्यार के रस की फुहार का ही असर होता है कि इसमें भीग कर दिल तर बतर हो जाता है। लेकिन वहीं कभी कभी ये प्यार में भीगा हुआ दिल शोला बनकर भड़क भी उठता है। अच्छा, जी हाँ। कैसे? जी हाँ, जब जमाने के इस पे पहरे लग जाते हैं, पाबंदियां लग जाती हैं, रस्म रिवाजों की जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। ओह, तो फिर बगावत होती होगी, और बगावत होती तो ये प्यार करने वाला कौन सा नारा लगाते हैं, हर जोर जुल्म की टक्कर में। नहीं 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 आ, नहीं नहीं, ये प्रेम के बगावती नारे ना पूरी दुनिया में एक है बस। कौन सा? जब प्यार किया तो डरना क्या। ऐसे बगावती तेवरों का, ऐसी बगावत का कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलता भी है या नहीं? हाँ, बिल्कुल निकलता है। हाँ, कैसे, क्या होता है? अरे, ये सब दूरियां जो है खत्म हो जाती हैं। ओह, नजदीक आ जाते हैं वो लोग। यानी प्यार की कहानी का ट्रैक बदल जाता है? जी हाँ, बिल्कुल बदल जाता है। अरे कैसे बदलता वो तो बताइए। हाँ, ये बताएंगे, ये गाना देखिए। रेनु जी, अनामिका फिल्म का ये गाना बड़ा जबरदस्त। जबरदस्त गाना, और वहीं संजीव कुमार और जया भादुड़ी की अदाकारी, क्या बात है। मुझे तो इन दोनों की वो फिल्म याद आ रही है, कोशिश। जी हाँ, मतलब सिर्फ और सिर्फ संजीव कुमार और जया भादुड़ी का ही कमाल था, वही ये फिल्म कर सकते थे इस तरह से। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन 1996 में भी ये कोशिश हुई, और जबरदस्त कोशिश हुई। लेकिन वो तो म्यूजिकल थी ना। वो कोशिश जरूर म्यूजिकल थी जी। लेकिन बड़ी खामोशी से नाना पाटेकर और सीमा विश्वास ने अपनी अदाकारी के झंडे गाड़ दिए। ये बात तो है। तो देखते हैं इस फिल्म का ये गीत।
खामोशी द म्यूजिकल, इसका गाना हमने देख लिया। रेणु जी, ये फिल्म देखने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि यकीन करना पड़ेगा कि खामोशी भी म्यूजिकल हो सकती है। जी हाँ, ये संगीत का असर होता है ऐसा ही जी, और इसीलिए हमारी फिल्मों में संगीत बेहद महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, और हिंदी फिल्मों की तो भाई बिना गीत संगीत के ना कल्पना करना ही असंभव है, कर ही नहीं सकते आप। और शायद यही वजह होगी कि ऐतिहासिक पौराणिक फिल्में जो होती हैं उनमें भी गीत संगीत की गुंजाइश बना ही लेते हैं हमारे निर्माता निर्देशक जैसे इस फिल्म के गीत में ना देखिए। बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्लारी खड़क धड़क भड़क सली चटक मटक फटक सली दुश्मन की देखो जो फट लावली बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्लारी खड़क धड़क भड़क सली चटक मटक फटक सली दुश्मन की देखो जो फट लावली धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्लहारी धड़क धड़क भड़क सली चटक मटक फटक सली दुश्मन की देखो जो वाट लावली चटकीले रंगों से सजी, ये थी विविध भारती की रंगोली। फिर एक और मुलाकात के वादे के साथ आज यहीं खत्म करते हैं आज की मुलाकात। तो दीजिए इजाजत अमरकांत दुबे और रेणु चतुर्वेदी को नमस्कार। सातों सुरों की सहेली रंग
रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली। रंगोली है ये रंगोली, सुरमई गीतों।